एक लीडर के कई ट्रेड्स होते हैं, उसकी कई क्वालिटीज होती है। आज मैं एक क्वालिटी की बात करना चाहता हूँ, जो क्वालिटी है अपने साथ रहे, अपने साथ जुड़े लोगों को कैसे अपलिफ्ट करना या उनकी कैसे संभाल करना। लीडर हमेशा ये देखता है कि मेरे साथ रहे लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, वो मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ उसका शिंडलर की। शिंडलर 1908 में जन्मा हुआ एक व्यक्ति, 1930 में यानी कि 1930 के आसपास ये व्यक्ति एक नाजी होते हुए एक कंपनी चलाता है, जिस कंपनी में तकरीबन 1200 लोग हैं और मेजॉरिटी पीपल यहूदी थे, क्योंकि यहूदी लोगों का वेतन कम होता था और इसके दिमाग में एक ही चीज थी कि मुझे जितना ज्यादा पैसा मिले उतना ज्यादा मुझे पैसा कमाना है। समय बीतता गया, इसके सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस ऑस्कर सिंडलर का बढ़ता गया, अच्छा होता गया। इसी दौरान जर्मनी की सत्ता पे हिटलर आए और हिटलर खुद नाजी थे और उनको यहूदियों के प्रति बहुत घृणा थी। उन्होंने तय किया एक भी यहूदी जिंदा नहीं रहना चाहिए और उनके सैनिकों को छुट्टा दौर दे दिया। एक साथ 10,000, 20,000, 30,000 यहूदियों को 10 मिनट में गैस चैम्बर में डाल के मारा जाता था। उसी वक्त ऑस्कर शिंडलर, जो खुद एक नाजी थे, उन्होंने ये सोचा, मैं एक लीडर हूं और लीडर क्या करता है, अपने साथ जुड़े लोगों की सेफ्टी सोचता है। मेरे साथ जुड़े 1200 यहूदियों की सेफ्टी वो मेरी जिम्मेदारी है। नाजी सैनिक उनकी फैक्ट्री पे आते थे, इंटरव्यूज लेते थे, वो चाहते थे कि यहूदियों को ले जाया जाए, उनको मार डाला जाए, लेकिन कोई ना कोई पहचान से या कुछ ना कुछ ऐसा नाजी सैनिकों को देखे, शिंडलर यही सोचते थे, वो खुद एक नाजी होने के बावजूद मेरे साथ जुड़े 1200 यहूदियों को कैसे बचाया जाए। और शिंडलर ने, जब तक हिटलर का नाश नहीं हुआ 1945 तक, तब तक उन्होंने अपने यहाँ हरेक यहूदियों को आश्रय दिया, उनको संभाला, उनकी केयर की और 1200 यहूदियों को उन्होंने पूरी लाइफ टाइम में बचाया। हिटलर का नाश हुआ, शिंडलर अपनी वाइफ के साथ वेस्ट जर्मनी में चले गए, लेकिन उस व्यक्ति ने जो लीडरशिप का ये एग्जाम्पल दिखाया, उसी के ऊपर से एक यहूदी फिल्म डायरेक्टर जिसका आज पूरी दुनिया में नाम है, स्टीफन स्पिलबर्ग, उन्होंने शिंडलर्स लिस्ट यानी शिंडलर ने बचाए हुए लोगों का लिस्ट, उसके ऊपर से मूवी बनाया। और ये शिंडलर्स लिस्ट मूवी 1993 में रिलीज हुआ और इस मूवी को 7 ऑस्कर और 83 डिफरेंट अवार्ड्स मिले। सोच सकते हैं एक व्यक्ति चाहे तो लीडरशिप का कैसा एग्जाम्पल प्रोवाइड कर सकता है। आज मंदी के दौर में कई कंपनियां कई लोगों को छोड़ रही है, करना उतना ही है। अगर आपकी कंपनी के एम्प्लॉई आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहे, तो आज उनका बुरा वक्त है या कंपनी का बुरा वक्त है या ओवरऑल मंदी का माहौल है, हम कैसे उनके लिए खड़े रहे, जरा सोचिए। थैंक यू वेरी मच।